हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं ये बिल्कुल मस्त हूँ और मैं हो गई हूँ तैयार। और अभी हम लोग निकल गए हैं, तो फैमिली जा रही है पूरी। मम्मी भी हैं, पापा भी आगे बैठे हैं, कृष्णा आगे बैठा है, और ये है मेरे पति देव जी। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ, वो आगे आपको वीडियो में पता लगेगा। तो ऐसे ही मेरे साथ वीडियो में बने रहना फ्रेंड्स। और वो सामने देखिए, वो दिख रहा है हिमालय। और यहाँ से इतना प्यारा व्यू लगता है, हिमालय देखने में बहुत सुंदर लगता है। व्यू बहुत अच्छा है इधर का, आप पूरा देखो। और ये देखो, पेड़ों में लगे हैं बुरास के फूल। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं दूनागिरी माता के मंदिर। अभी हम लोग लेंगे यहाँ से प्रसाद। यहाँ पे सारी मनोकामनाएं भक्तों की पूरी होती है माता के मंदिर में आके। तो यहाँ पे लोग जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो घंटी भी चढ़ाते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं। यहाँ माँ को उनके वैष्णवी रूप से पूजा जाता है। माता के दरबार तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। माँ के दर्शन के लिए पहले हमें 500 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो हम लोग भी जयकारा लगाते हुए माता का निकल पड़े हैं। घने जंगलों में बसा जो माँ का वैष्णो देवी का ये मंदिर है, ये बहुत आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता। और ये है पहले का रास्ता, बहुत पहले का रास्ता है ये। इधर से लोग जाते थे, अब तो यहाँ पे सीढ़ियाँ बन गई हैं। पहले लोग उधर इस पुराने रास्ते से जाते थे, और यहीं पे लोग अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पे पेड़ों में चुन्नी भी बांधते हैं। इधर देखो मम्मा को, सही से देखो। अभी हम लोग पहुंच गए हैं सामने, देखिए ये है माँ का दरबार, यहीं पे माँ विराजमान है। तो हम लोग फाइनली 500 सीढ़ी कंप्लीट करके पहुंच चुके हैं ऊपर। माँ के मंदिर में नारियल चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे कभी फोड़ा नहीं जाता है। साबुत ही हमें पंडित जी चढ़ाने के बाद प्रसाद के रूप में उसे साबुत हमें वापस कर देते हैं, जो इस मंदिर की खास बात है। कहा जाता है कि अगर नारियल को तोड़ेंगे तो उसे बलि प्रथा कहते हैं। तो प्रसाद के चढ़ाने पर हमें पुजारी जी उसे वापस हमें दे देते हैं। आप घर जाके उस नारियल को तोड़ सकते हैं। दूनागिरी के इस पर्वत पर ऐसी जड़ी बूटियां मिलती हैं जो रात में दमकती हैं। माता के मंदिर में जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है तो वो यहाँ पे घंटी, सोना, चांदी या फिर भंडारा करवाते हैं। भंडारा के वो लोग बोलते हैं कि हमारे नाम का यहाँ पे भंडारा कर दीजिए। माता के हमारे दर्शन भी हो गए हैं। यहाँ पे माता पिंडी रूप में विराजमान है। और अभी आ गए हम लोग यहाँ पे, अखंड जोत जलती है। ऊपर दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आ गए नीचे को, तो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर। और अभी आ गए हम नीचे महाराज जी की, बाबा जी की जो तपस्थली थी, जहाँ पे बाबा जी ने तपस्या की थी, तो यहाँ पे आए हैं। और अभी आ गए हम गोलू देवता मंदिर, जो हमारे ईष्ट देव हैं। तो अभी हम यहाँ पे दर्शन करते हैं। परिसर में 24 घंटे भंडारा होता है, और प्रसाद के रूप में यहाँ पे हमें पूरी और छोले मिलते हैं। तो और दान, यहाँ पे दान पेटी रखी हुई है, वहाँ पे अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग जो भी हमें दान करना है वो हम दान कर सकते हैं। माँ के दर्शन करने के बाद यहाँ पे लाइन से लगी दुकानें हैं, तो यहाँ से भक्तजन, श्रद्धालु सब लोग खरीदारी करते हैं खूब जमकर। कई लोग सिंदूर लेते हैं, कई लोग फोटो लेते हैं माता रानी की अपने घर के लिए। अगर आप कभी भी रानीखेत आएँ तो दूनागिरी मंदिर ज़रूर आना, क्योंकि भक्त पूरी श्रद्धा भाव से इस मंदिर में आएंगे तो माँ उनकी मुराद, हर मुराद पूरी करती हैं। और मंदिर से नीचे आने के बाद अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा लकड़ी से बनाया सामान, तो ये लोग बनाते हैं पूरा लकड़ी से। देखिए
घर बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं छोटे छोटे, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। यहाँ से आप लोग अपने घर के लिए लेके जा सकते हैं, और यहाँ से अपने घर के लिए आप लोग पहाड़ी दाल, राजमा वगैरह भी ले सकते हैं, मडवा। और यहाँ पे आपको जूस भी मिल जाएगा, आंवले का जूस, बुरास का जूस, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी में आपको सब चीज़ मिल जाएगी। और नीचे अभी जो यहाँ पे और दुकानें हैं मंदिर से नीचे उतर के, यहाँ आपको अपने घर के लिए प्रसाद भी मिल जाएगा।